हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल आपका चल रहा है, जिसमें आज मैं आपके लिए हिंदी, सामान्य हिंदी से हिंदी भाषा के मुख्य तथ्य का टॉपिक लेके आया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जो आप लूसेंट की बुक उठाएंगे तो उसमें आपको पहला चैप्टर ये मिलेगा, हिंदी भाषा के मुख्य तथ्य। यहाँ से आपको दो क्वेश्चन 100% आने हैं और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। भाषाएं से जो क्वेश्चन बनती है वो यहीं से बनती हैं, किस जगह पे कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। तो इस वीडियो में देखें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहाँ जो जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं मैंने आपको इंक्लूड कर दिया है। और इस वीडियो को शुरू से लेकर तक पूरा देखिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर जो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। आपसे और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं अभी करंट में जितने भी वीडियो अपलोड करता हूँ, हर वीडियो में आपको बोलता हूँ, जितने भी वीडियो मैं दूँ वीडियो के द्वारा ही आप याद कर लिया कीजिए। चाहे आपको वीडियो दो बार देखना पड़े, तीन बार देखना पड़े, इससे मुझे मतलब नहीं है। आप वीडियो में ही याद करते चलिए। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, आपको नहीं आता कठिन शब्द, उसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन वीडियो से ही तैयार करते चलिए, क्योंकि आपके पास टाइम कम बचा है, हफ्ते भर से कम टाइम है, ठीक है। अभी देखिए, हिंदी भाषा के मुख्य तत्व, तो कह सकते हैं भारत में चार भाषा परिवार हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, भारत की जो भाषा है कौन सी है, तो आप कह सकते हैं इंडो यूरोपियन, ठीक है, भारोपी आता है। तो भारोपी क्यों है, देखिए भारत का ये मैप बना है, इसमें देखिए 73% जो भाषाएं बोली जाती है वो भारोपी के प्रभाव से हैं। उसके बाद द्राविड़ से 25%, ये देखिए साउथ साइड में इंडिया में जाएंगे तो तेलुगु बोली जाती है, तो ये द्राविड़ से 25%। उसके बाद इधर देखिए ऑस्ट्रिक आ जाता है 1.3%, इधर चीन तिब्बत के प्रभाव से 0.7% चीनी तिब्बती, वो सबसे ज़्यादा भारोपी है 73%, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारोपी क्यों, इंडो यूरोपियन, इधर से यूरोपी यूनानी लोग आए थे, ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ आ गई थी भारोपी। अब देखिए आगे चलते हैं, हिंदी भाषा का विकास क्रम, कभी कभी ये क्रम भी पूछ लेता है। तो हिंदी, आपको पता है हिंदी आपका संस्कृत से ही विकृत होकर हिंदी बना, तो सबसे पहले संस्कृत आई थी, उसके बाद महात्मा बुद्ध है वो पाली भाषा लेके आए, उसके बाद महावीर स्वामी प्राकृतिक भाषा चेंज होते होते अपभ्रंश में आ गया, अपभ्रंश हमारा अवहट बना, अवहट से हमारा हिंदी भाषा आ गई। तो इस तरीके से संस्कृत से विकृत, इसमें देखिए ये क्रम आपको सिंपल सा लग रहा है, लेकिन ये क्रम परिवर्तित होने में बहुत लंबा समय लगा, ठीक है। कहते हैं ना, मुख सुख के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो मुख को आराम देने के लिए हमने भाषाओं को उल्टा सीधा करना शुरू कर दिया। तो अगर जो आपने वर्तनी पढ़ा होगा या फिर तत्सम तद्भव पढ़ा होगा, तो उसमें आपको पता होगा कैसे कैसे शब्द परिवर्तित होकर आराम से होगा। जैसे अनर्थ को हम अनर्थ बोलने लगे, स्वसुर को ससुर बोलने लगे, तो ये सब मुख सुख के लिए हुआ और धीरे धीरे ये हमारी आम बोलचाल की भाषा में आ गए। इसी तरह संस्कृत वाले शब्द बोलने में कठिन लगते थे, तो वो धीरे धीरे हमारे हिंदी में आ गए, ठीक है। अब देखिए कुछ अपभ्रंश है और उनसे रिलेटेड यहाँ भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए सबसे पहले हम सौरसेनी अपभ्रंश की बात करें, तो सौरसेनी अपभ्रंश आप देखिए कहाँ कहाँ पे बोली जाती है, राजस्थान हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ये आपके सौरसेनी अपभ्रंश से प्रभावित है। राजस्थानी भाषा और गुजराती भाषा, पश्चिमी हिंदी जो भाषा है वो सौरसेनी अपभ्रंश से प्रभावित है। पश्चिमी हिंदी देखिए यूपी वेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। अर्धमागधी की बात करें, देखिए पूर्वी हिंदी यूपी ईस्ट, अर्धमागधी हो गई। उसके बाद मागधी अपभ्रंश में देखिए बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया मागधी अपभ्रंश से प्रभावित है। पहाड़ी अपभ्रंश, सॉरी खास अपभ्रंश कहीं भी आए तो आप देखिए पहाड़ी हिंदी, ठीक है। पहाड़ी में देखिए वही हो जाता है गढ़वाली कुमाऊनी, ठीक है, आप देखिए पहाड़ी हो गया खास अपभ्रंश से प्रभावित। ब्राचड़ में देखिए सिंधी पंजाबी हो गया और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में मराठी। तो ये भी इंपॉर्टेंट, अच्छे थे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है, तो एक एक मैं पढ़ता जाऊंगा, आप एक एक देखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ से ही क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, पहला क्वेश्चन है हिंदी, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। अब अगर जो मैं पूछूंगा भारत में दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, तो कुछ लोग उर्दू कहेंगे, कुछ लोग और कहेंगे, तो बांग्ला, ध्यान रखिएगा बांग्ला ऐसी भाषा है भारत में दूसरे नंबर है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तीसरे नंबर पर हमारा तेलुगु है, ठीक है, पहले नंबर पर हिंदी है, दूसरे पर बांग्ला है, तीसरे पर तेलुगु है। अब देखिए किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है, तो तेलुगु, ठीक है। द्रविड़ मतलब देखिए साउथ में जा रहा है ना, द्रविड़ मैंने बताया, देखिए द्रविड़ साउथ में जा रहा है, तो साउथ में तेलुगु बोली जाती है ज़्यादा, तो इसलिए द्रविड़ परिवार की जननी कहा जाता है किसको, तेलुगु को। अब देखिए किस भाषा को देवों की भाषा कहा जाता है, संस्कृत को, देखिए संस्कृत उत्तराखंड की भाषा है और संस्कृत को देवों की भाषा कहा जाता है। उर्दू शब्द किस भाषा का है, ध्यान रखिएगा उर्दू शब्द तुर्की भाषा का है।
अब मुगल काल में किस भाषा को रेखता कहा जाता था? उर्दू, मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस का भी क्वेश्चन है, मुगल काल में उर्दू को रेखता कहा जाता था। अब देखिए मुगल काल की भाषा कौन सी थी, मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी थी, और दक्षिण भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा तमिल है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए भारत के किस राज्य में अंग्रेजी भाषा में काम होता है? नागालैंड में देखिए अंग्रेजी भाषा में काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की, देखिए हिंदी राजकीय भाषा, तो ध्यान रखिएगा 14 सितंबर 1949, हिंदी राजकीय भाषा 14 सितंबर, देखिए 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी हमारी राजकीय भाषा बनी थी। आगे चलते हैं, भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? संस्कृत है भारत की प्राचीनतम भाषा। हिंदी खड़ी बोली के जनक, या तो आप ये पूछ सकता है हिंदी खड़ी बोली में अग्रणी भूमिका किसने निभाई थी? अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो ने हिंदी खड़ी बोली में अग्रणी भूमिका निभाई थी। ठीक है, देखिए पीडीएफ में कुछ साफ साफ नहीं लिखा तो मैं बोल देता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए संस्कृत से प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तेलुगु जो है संस्कृत से प्रभावित है। आंध्र प्रदेश की मुख्य भाषा तेलुगु। उसके बाद देखिए भारत के प्रांत को कुकड़ी भाषा बोली जाती है, भारत के किस प्रांत में कुकड़ी भाषा बोली जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोवा और महाराष्ट्र में भारत के दो राज्य ऐसे हैं जहाँ पे कुकड़ी भाषा बोली जाती है। ठीक है, गोवा महाराष्ट्र में कुकड़ी भाषा बोली जाती है। संस्कृत किस राज्य की उपभाषा है? उत्तराखंड की, ध्यान रखिएगा मैंने आपको बताया था। देखिए उर्दू उत्तर प्रदेश की उपभाषा है, यह भी ध्यान रखिएगा, 1989 सन याद रखिएगा, 1989 में उर्दू को उपभाषा का दर्जा दिया गया उत्तर प्रदेश का, या फिर द्वितीय राजभाषा, द्वितीय भाषा राजभाषा कह सकते हैं। अब देखिए शुद्ध हिंदी खड़ी बोली का मुख्य केंद्र मेरठ है, शुद्ध हिंदी खड़ी बोली का मूल नाम कौरवी है। देखिए इसे शुद्ध हिंदी खड़ी बोली या कौरवी बोलते हैं, इसलिए शुद्ध हिंदी खड़ी बोली का मूल नाम कौरवी है, और इसका जो केंद्र है मेन मेरठ है। ब्रज बोली का मेन केंद्र देखिए मथुरा है, और साहित्यिक दृष्टि से हिंदी भाषा की महत्वपूर्ण बोली, सबसे महत्वपूर्ण बोली है ब्रज है, साहित्यिक दृष्टि ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए ब्रज भाषा को बंगाल में ब्रज बोली व आसाम में प्रजावली के नाम से जाना जाता है, बंगाल में ब्रज बोली और आसाम में प्रजावली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के बाहर ब्रज बोली कहाँ पे बोली जाती है? ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान ऐसा देश है जहाँ पे ब्रज बोली बोली जाती है देश के बाहर। अब देखिए भोजपुरी का मुख्य केंद्र हमारा भोजपुर है, बिहार का भोजपुर क्षेत्र है, भोजपुरी का मुख्य केंद्र है। साहित्यिक दृष्टि से सबसे कम विकास भोजपुरी बोली का हुआ है, ध्यान रखिएगा साहित्यिक दृष्टि का जो सबसे कम विकास किसका हुआ है, तो भोजपुरी बोली बोल सकते हैं। अब देखिए देश के बाहर भोजपुरी कहाँ पे बोली जाती है? देखिए यहाँ पे मॉरीशस हो गया, गयाना, त्रिनिदाद, टोबैगो और फिजी, सूरीनाम, ये ऐसे देश है जहाँ पे भोजपुरी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर किसने कहा था? जगदीश चंद्र माथुर ने बिहारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा था। अब देखिए बिहारी हिंदी में साहित्यिक दृष्टि से संपर्क बोली मैथिली बोली है, ठीक है, साहित्यिक दृष्टि से बिहारी हिंदी में संपर्क बोली है मैथिली बोली। अब देखिए अवधि बोली का मुख्य केंद्र जान लेते हैं, अवधि बोली देखिए हमारे पूर्वी हिंदी साइड, पूर्वी यूपी साइड में बोली जाती है, तो यहाँ मुख्य केंद्र इसका है अयोध्या, ठीक है, और मध्य में पड़ता है यूपी के। अब देखिए देश के बाहर ये बोली फिजी में बोली जाती है, अवधि हमारी देश के बाहर भी बोली जाती है फिजी में। तो और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं उन्हें भी। भारत की सभी विधियों में ब्राह्मी विधि, भारत की सभी विधियाँ कहाँ से निकलती है? ब्राह्मी विधि से निकलती हैं। पंजाब भाषा की जो विधि है वो कौन सी है? गुरुमुखी विधि है। हिंदी की आदिजननी कौन सी है? संस्कृत। देखिए संस्कृत से ही हिंदी बना था, तो हिंदी की आदिजननी कौन हुई? संस्कृत हुई। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल में हुआ था 2015 में, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद हिंदी शब्द फारसी या ईरानी भाषा का है, ठीक है, मैंने इंडो यूरोपियन ऑप्शन में था, तो इंडो यूरोपियन लगा सकते हैं, नहीं तो फारसी या ईरानी आएगा ऑप्शन में, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी भाषा के मुख्य तत्व से। अच्छा आपको वीडियो पसंद आएगा, आपसे एक रिक्वेस्ट फिर से, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और देखते रहे एग्जाम ग्रो टिप्स एंड ट्रिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।